गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल मैंडी फ्रॉम निधि अभी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप सो कि आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। एंड आज जो मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आई हूँ वो है करवा चौथ स्पेशल मेकअप लुक, जिसको कि मैंने स्पेशली करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है। एंड सॉरी इतने टाइम से वीडियो नहीं आ पा रही थी, मैंने आप लोगों को बताया था ना कि मुझे फीवर हो रहा था तो वीडियो नहीं आ पा रही थी। एंड अभी मैंने ये लुक क्रिएट किया है करवा चौथ के लिए, तो चलिए देख लेते हैं कि ये लुक कैसे मैंने क्रिएट किया है। और अगर अच्छा लगेगा ये लुक तो लाइक कमेंट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ टोनर, फेस वॉश करके मैं टोनर अप्लाई करी। टोनर से जितने भी ओपन पोर्स होंगे ना वो सारे मिनिमाइज हो जाएंगे। तो यहाँ मैं गुड वाइब्स का टोनर यूज़ की हूँ एंड उसके बाद मैं मिंट ग्लो का यहाँ पे मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ। मॉइस्चराइज़र भी मेकअप के पहले आपके फेस पे बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो आप लोग मॉइस्चराइज़र को कभी भी स्किप मत किया करिए। एंड मॉइस्चराइज़र अप्लाई करने के बाद ना मैं यहाँ पर यूज़ कर रही हूँ सीरम। यहाँ पे मैं गुड वाइब्स का रोज़ हिप सीरम यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा आपके फेस को अच्छे से हाइड्रेट कर देगा एंड काफ़ी ज़्यादा मॉइस्चराइज करके रखेगा। और अभी मैं यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हूँ। प्राइमर मेकअप के पहले अप्लाई करने से ना एक बेस आपका तैयार हो जाता है, तो भी आपको ज़रूर अप्लाई करना चाहिए, स्किप नहीं करना चाहिए। और अभी मैं लिप बाम से अपने लिप्स को मॉइस्चराइज कर लूँगी ताकि जब मैं लिपस्टिक लगाऊँ तो मेरी लिपस्टिक लॉन्ग लास्टिंग रहे एंड ड्राई ना हो। तो उससे बचने के लिए मैंने लिप बाम अभी अप्लाई कर लिया है एंड अब मैं जो भी मुझे मेकअप करना है मैं करूँगी। और इसके बाद मैं यूज़ करूँगी फाउंडेशन, मैं यूज़ कर रही हूँ फाउंडेशन में यहाँ पे स्टीव कर्की का फाउंडेशन यूज़ कर रही हूँ। बहुत ही अच्छा फाउंडेशन है ये एंड लिक्विड बेस्ड फाउंडेशन है, तो ब्लेंड होने में काफ़ी ज़्यादा ईजी होता है। इससे आपके ना पूरे फेस पे ईजिली ब्लेंड हो जाता है फाउंडेशन। एंड आप देख रहे हैं कभी भी नेक एरिया को ना स्किप नहीं करना चाहिए आपको मेकअप के ड्यूरिंग। और इसको एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैंने ब्लेंड कर लिया है एंड अब अपने आईब्रो के अप एंड डाउन एरिया पे भी कंसीलर को अप्लाई करना है एंड अच्छे से ब्लेंड करना है। ऑल्सो अपने आईलिट्स एंड अंडर आई एरिया पे भी कंसीलर को अप्लाई करना है एंड उसको अच्छे से ब्लेंड कर देना है ताकि जो भी शेप हो ना आपका वो आपको उभर के आए। इसको भी एक ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छे से मैंने ब्लेंड कर दिया है और एक कॉम्पैक्ट की हेल्प से अच्छे से उस पूरे बेस को सेट कर देना है। ये सेट कर इसलिए कर देते ना ताकि जो मैंने कंसीलर अप्लाई किया है वो एक उसमें सेट हो जाए और इसके बाद जब अब हम आई शेडो अप्लाई करेंगे ना तो एकदम से उभर के आई शेडो आएगा एंड अच्छा लगेगा वो। ये मैं अपने ड्रेस से मैचिंग आई शेडो अप्लाई करूँगी। आप देख सकते हैं वीडियो फास्ट फॉरवर्डिंग मोड पे है तो आप लोग देख लीजिएगा। एंड मैंने अपने दोनों आइज के साइड में ना टेप लगा रखा है ताकि जो मेरा शेप है वो अच्छे से निकल के आए। और देख सकते हैं फटाफट से मैं आई शेडो लगा ले रही हूँ अपने ड्रेस से मैचिंग एंड गोल्डन मैं ज़्यादा लगाऊंगी क्योंकि मुझे नाइट का ये मेकअप है ना, तो गोल्डन शेड मुझे ज़्यादा पसंद है। और हाँ गाइज़, अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी तो लाइक कर दीजिएगा गाइज़। आपका एक लाइक काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट करता है हमें, तो प्लीज़ आप लोग लाइक करने में बिल्कुल भी कंजूसी मत करिएगा। एंड इसके बाद ना मैं फिंगर की हेल्प से जो गोल्ड शेड है ना ग्लिटर शेड, मैं उसको अपने आईलिड्स पर अप्लाई कर लूँगी। आप लोग देख सकते हैं फिंगर से अप्लाई करने में वरना बहुत ही ईजिली वो अप्लाई हो जाता है। तो इस तरीके से मैंने अप्लाई कर लिया आई शेडो भी एंड आई शेडो के बाद अब मैं थोड़ा सा आई शेडो को नीचे अपने लोअर आई लैशेज़ पर भी अप्लाई कर लूँगी क्योंकि मैं काजल नहीं लगा रही हूँ, इसलिए मैंने लोअर लैशेज़ पर भी आई शेडो को अप्लाई कर लिया है। नाउ मैं यूज़ कर रही हूँ आई लाइनर मैं यहाँ पर कलर स्क्रीन का यूज़ कर रही हूँ, वन ऑफ माई फेवरेट आई लाइनर गाइस। तो आप लोग देख सकते हैं मैं जो भी प्रोडक्ट यूज़ करूँगी ना उसके लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूँगी, तो आप लोग वहाँ पे एक बार चेकआउट ज़रूर करिएगा। सारे प्रोडक्ट के बाय लिंक आपको वहाँ मिल जाएंगे। एंड बहुत दिनों बाद वीडियोस आई हैं तो अब कंटिन्यू डालने की मैं कोशिश करूँगी। आप लोग प्लीज़ कंटिन्यू लाइक करिएगा मेरी वीडियोज़ को। और अब मैं सोची हूँ कि मैं क्या करूँ, भूल जाती हूँ कभी कभी, तो अब मैं अपने फेस की कर लूँगी फुल कॉन्टोरिंग। तो कॉन्टोरिंग के लिए भी मैं एनवाइबे की कॉन्टोर स्टिक यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे बहुत ही ईजिली इससे कॉन्टोर हो जाएगा, अगर आप करेंगे ना तो बहुत ईजिली आप कॉन्टोरिंग कर पाएंगे। तो आप देख सकते हैं मैंने कॉन्टोर कर लिया नोज़ एंड उसके बाद देन अपने फेस की कॉन्टोरिंग भी मैंने कर ली।
और कंटूरिंग के बाद लिपस्टिक मैंने अप्लाई करना है। पता है लिपस्टिक मैं थोड़ा चेंज कर रही हूँ, मैं मेकअप करती थी ना तो डार्क कलर की लिपस्टिक को प्रीफर करती थी, तो मुझे कमेंट आते थे कि अरे आप तो एक ही लिपस्टिक को हमेशा यूज़ करती हैं। तो मैंने सोचा चलो भाई मैं लिपस्टिक चेंज कर देती हूँ, तो लिपस्टिक मैं यहाँ पर हुडा ब्यूटी की यूज़ कर रही हूँ। ओके, तो आप लोग बताइएगा आप लोगों को ये कलर कैसा लगा। यार मुझे कमेंट आ रहे थे ना कि आप एक ही लिपस्टिक को हमेशा यूज़ करते हो डार्क कलर, तो मैंने आज चेंज कर दिया इसीलिए। एंड इसके बाद अब मैंने अपने बालों को ओपन कर लिया है, मेकअप तो लगभग कंप्लीट हो गया है। मैं ब्लश यूज़ कर लूँगी क्योंकि ट्रेडिशनल मेकअप लुक है, बिना ब्लश के तो मेकअप अधूरा सा होता है ना, तो इसीलिए मैंने ब्लश को भी यूज़ कर लिया है। एंड फटाफट से अब सारे मेकअप को मैं एक कॉम्पैक्ट पाउडर के हेल्प से सेट कर दूँगी, आप देख सकते हैं। और अब मैं पहन रही हूँ बैंगल्स, चूड़ी जो खनकी हाथों में, मैंने सारा सेट ऑलरेडी लगा करके रखा था। एंड अब मैं पहन रही हूँ चूड़ियों को क्योंकि मेकअप की सबसे लास्ट में ही ना ज्वेलरीज पहनना चाहिए, उससे इजी हो जाता है मेकअप करने के ड्यूरिंग। ओके, और अब मैं यूज़ कर रही हूँ क्या, अब मुझे ज्वेलरी पहनना है तो ज्वेलरी भी मैं पहन लेती हूँ, फिर आपसे मिलती हूँ अब थोड़ी देर में। ज्वेलरी पहनना है, फिर इयररिंग भी पहनना है मुझे, तो फटाफट से अगर वीडियो अच्छी लग रही होगी ना तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। और मैंने, आप देख सकते हैं मैंने ज्वेलरी पहन लिया एंड अब मैं इयररिंग पहनूंगी। इयररिंग मुझे बहुत प्यारी लग रही थी, आप लोग बताइए आप लोगों को ना ये इयररिंग कैसी लगी, और अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट करके मुझे बताइएगा ज़रूर। यार आप लोगों के कमेंट का बहुत बेसब्री से मैं वेट करती हूँ, तो प्लीज़ बताइएगा ज़रूर कि आप लोगों को कैसी लगी ज्वेलरी एंड फुल मेकअप भी कैसा लगा। यार आप लोगों के कमेंट का ना बहुत वेट करती हूँ मैं, तो बताते रहना, बताना मत भूलना आप लोग प्लीज़ गाइज, क्योंकि यार आप ही लोगों के लिए तो मेहनत करते हैं ना, तो आप लोग प्लीज़ लाइक कमेंट तो किया करो, अगर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। सो गाइस दिस इज़ माय फाइनली लुक जिसको कि मैंने करवा चौथ के लिए क्रिएट किया है, एंड आप लोगों को ये लुक कैसा लगा आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर।